दोस्तों, जुपिटर के सतह में एक स्पेशल फीचर है ग्रेट रेड स्पॉट। जुपिटर के वायुमंडल में हाई प्रेशर रीजन बना हुआ है जहां एंटीसाइक्लोनिक स्टॉर्म चलता रहता है। अध्ययन में ये एंटीसाइक्लोनिक स्टॉर्म सौर मंडल में सबसे बड़ा है जहां पर पृथ्वी के समान कई ग्रह समा जा सकते हैं। मगर 21वीं शताब्दी में इस रेड स्पॉट पर कुछ परिवर्तन देखा गया है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से भेजे गए चित्रों से मालूम चला है कि ग्रेट रेड स्पॉट एरिया में चल रहा स्टॉर्म पश्चिम के ओर धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे चपटा दिखाई देने लगा है और रेड स्पॉट एरिया किसी कारण के चलते ऑरेंज कलर में परिवर्तित हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ग्रेट रेड स्पॉट एरिया में ऐसा परिवर्तन होता रहा तो अगले 10 या 20 साल के अंदर ही हमें मच पॉपुलर ग्रेट रेड स्पॉट एरिया देखने में शायद वो साइज का नहीं मिल सकेगा। गोडार्ड में मौजूद OPAL यानी आउटर प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर्स लेगेसी कई सालों के अध्ययन में ये अजीब सा परिवर्तन देखा है। फिलहाल इस जगह में तूफान के ज्यादा चेंजेस से तो फ्यूचर में ग्रेट रेड स्पॉट एरिया शायद एक इतिहास ही बन जाएगा। धन्यवाद।